जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। तो मैं सुबह उठा, ब्रश किया और फिर मैंने चाय दूध पी। तो आज से मेरी सर्दियों की छुट्टी चालू हो गई है। तो आज मामा ने बनाई है दाल, तो देखते हैं दाल की रेसिपी। तो फिर दाल में डालने के लिए चाहिए कड़ी पत्ते, प्याज, खड़ी मिर्ची, टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। फ्राई पैन में पहले डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे ये खड़ी मिर्च। इसको अच्छे से पकने देंगे, मतलब तो इससे इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। फिर डालेंगे ऊपर से कड़ी पत्ते, क्योंकि फिर इनको अच्छे से मतलब कि पकने देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे प्याज, क्योंकि इसके बिना दाल अधूरी है और इसके बिना दाल बन ही नहीं सकती है। तो इसको अच्छे से हिलाएंगे और जब तक प्याज ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, जब तक इसको अच्छे से हिलाएंगे। फिर डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, इसको भी अच्छे से हिलाएंगे। फिर इसमें डालेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर डालना बहुत ज़रूरी है दाल में। फिर इसको भी अच्छे से हिलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे हल्दी और मिर्च पाउडर और नमक। फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। तो इस कुकर में जो हमारी बॉइल की हुई दाल है, तो इसमें हम हमारा तैयार किया हुआ तड़का डालेंगे। फिर इसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे, क्योंकि इसमें है ना अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो हमारा दाल का तड़का अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस दाल में मिक्स हो जाए। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और इसी के साथ हमारी दाल तैयार हो चुकी है। देखिए दाल का लुक। तो मामा की मदद करने के बाद मैं न लागे थे तो मैं पौधों को पानी पिलाने लग गया। तो अब मैं गायों के लिए पानी भरने गया, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत सारी गाय आती है जो पानी पीती है। तो अब मैं पानी भर रहा हूँ। तो मैं आपको उस शख्स से मिलाऊंगा जिससे मैं रोज खेलता हूँ और रोज उसके साथ लड़ाई करता हूँ। वो है ये, इसका नाम है जग्गू। वो ये मेरे साथ रोज लड़ाई करता है बात बात पे, और मैं इसके साथ रोज फाइटिंग भी करता हूँ। देखा जाए तो ये मेरा हमारी फैमिली का सदस्य जैसा है, और मैं इसको हमेशा संभाल के रखता हूँ। ज्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा था? तू वीडियो में नहीं आएगा, देख लिया है तेरे को वीडियो में। मुझे मारेगा, बोल मुझे मारेगा तू? मार ना मुझे, मार तू मुझे, बता। कल से वीडियो में मैं तेरे को भी लूंगा, आएगा नहीं आएगा ये तेरे को मैं जमीन पे पटक दूंगा, देखना। मैं तेरे को जमीन पे सुलाऊंगा, फिर देख लेना तू। तो ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ कल के वीडियो में भी आएगा, और ये बोल रहा है कि कल के वीडियो में नहीं आएगा। अभी पता नहीं क्यों नहीं आना चाहता है ये, कुछ बोलेगा नहीं, इसे बाद में बुलवाना पड़ेगा। वो फिर आपको कल बताएंगे कल आएगा कि नहीं आएगा। अभी आज आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ, बहुत ज्यादा है। अच्छा, और आज दिन भर में क्या क्या करा दिया? छुट्टी थी तो मैंने
डला है, पानी भरा, पानी भरने के बाद फिर मैं वो गाय के लिए पानी भरने गया। वो मैं पानी भरने के बाद मैंने फिर मामा के साथ हेल्प करी सब्जी बना। तो मम्मी मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कर रही, मेरे एक स्कूल की फ्रेंड की बात है, क्या वो की शादी हो रही है, अभी शादी का वो सीजन चल रहा है, वो अभी क्या बारात निकल रही थी, तो फिर क्या बैंड बाजा बन रहे थे, तो उसने बोला कि मैं उस सर से पूछा कि मैं देखने जाऊँ क्या, तो सर ने उसको मना कर दिया। फिर उसने एक दिमाग लगाया, फिर उसने ना वॉशरूम का वादा बनाया, फिर वॉशरूम के अंदर घुस गया, 30 मिनट तक वो बाहर ही नहीं निकला। तो वहाँ से वो बारात देख रहा क्योंकि वहाँ की खिड़की का कांच टूटा हुआ है, और वो 30 मिनट तक बारात देखने लगा। फिर उसके साथ फिर ना सर गए दौड़े दौड़े, देखा तो उसके बाथरूम में केवल वो कुनाली नहीं 5 बच्चे और पाए गए। और फिर उनको मुर्गा बनाया, वो पुलिस जैसे लाठी चार्ज के ऊपर ऐसे कर करके फिर ना जब फिर ये नियम बना दिया कि जब भी मतलब की बारात निकलेगी बैंड बाजे बजेंगे तो कोई बाथरूम में नहीं जाएगा। और फिर उस बारात में क्या वो गाने बज रहे थे, तो शादियों में मतलब ऐसे गाने बज रहे थे जैसे कि यहाँ पे कोई रैली निकल रही हो, ऐसे बजे थे श्री राम जानकी बैठे मेरे की सीने में, वो पूरे वो गेट को धम धम बजा रहे ढोल जैसे, ऐसा लग रहा था कि वो गेट को तभी तोड़ दे। उधर बाथरूम में उस फ्यूज को धमाल से पता पड़ा कि वो बाथरूम में डांस कर रहे सब जने मिलके। एक फिल्मी गाना गा रहा हूँ उसे हारमोनियम में बजाना सीख रहा हूँ, मुझे अभी हारमोनियम बजाना नहीं आता है, मुझे अभी तक पूरा गाना भी नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से जो भी भूल हुई हो तो आप है ना उसे कमेंट में बताइए, मेरे से मतलब जो भी भूल हो तो उसे मतलब नजरअंदाज कीजिए।